तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी पागल हो गई है। मंदिर में नंगे पांव चलो तो बिल्कुल परवाह नहीं होती, पर मॉल में नंगे पांव। मेरी माँ चलो आ। कौन पूछ रहा था? लंबे लंबे हैं बैग टांगे रखे हैं। क्या नाम है? नीलो सरोपीटी है। नीलो सरोपीटी के पास। हाँ ये देखो दोनों पर्पल में है आज हम लोग। हाँ एक एक चल से डाल। हाँ फिर तो बहुत अच्छा है। चलो तुम्हारे यहाँ बैठो ना, कंधे वाला यही कर देते हैं हवा में। माँ तुम पीछे क्या देख रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी पागल हो गई है। देखो ना यहाँ हम दो दो हैं, तुमको ऐसे नहीं दिखेगा। तुम भी यहाँ ले दो, यहाँ सर रखो। कैसे देखती हो? क्या यहाँ सर रखो तुम दिखेगा। वैसे रखोगी तो देखोगी कैसे, तुमको कैमरे में देखना है। ये हाथ उठाओ, अब सर नीचे रखो, कैमरे में दिख रहा है? रुको मुझे दिखा जाएगा। अच्छा तुम कैमरा में देखो, ये देखो। हाँ अभी दिख रहे हम दो? हाँ हाँ देख रहे हैं। यहाँ हाँ और यहाँ ये ज्यादा देख रहा है। हाँ ये दो तो वही देख रहे थे पहले। हम दो देखना चाह रहे थे ये कैसे दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो दो को कहाँ है? यहाँ भी देख रहे और वहाँ भी देख रहे। दिखा ना जमीन टाइल्स में भी। हाँ तो आज वैसे कभी देखे नहीं थे तो वही देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है। बस मुझे टेढ़ हो गई लोग बात। आज ग्लास का बाप निकाले हैं। हाँ आज ये ग्लास का पापा है। हाँ जी ससुराल जैसा ही मुझे फील होता है मॉल में। बिल्कुल स्ट्रेंज फीलिंग आती है क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। ये सीक्रेट है जो धीरे धीरे मैं रिवील कर रही हूँ। मुझे मॉल में बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं जाकर आधे घंटे तो सेटल होने में लग जाता है कि क्या लेने आई हूँ। मैं भूल जाती हूँ माँ को शॉपिंग कराने जा रही हूँ क्योंकि जाने का टाइम नज़दीक आ गया और थोड़ी बहुत शॉपिंग अभी रहती है। तो चलो हम माँ के साथ थोड़ी शॉपिंग करते हैं, थोड़ी तफरी करते हैं। और माँ क्या खा रही है? हम नहीं खा रही है। माँ को अमरूद बहुत पसंद है। कितनों को मालूम है कि उनकी माँ को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? जैसे मुझे पता है माँ को अमरूद बहुत बहुत पसंद है और शरीफा सीताफल बहुत पसंद है, लेकिन खाते ही थोड़ी बीमार पड़ जाती है, ठंड लग जाती है उनको। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि माँ को इतना पसंद है कि खाते हुए बात भी नहीं करती, सिर्फ इशारा करती है स्टाइल से खाने का, थोड़ा कम मुंह चलाने का। ज्यादा मुंह खोल करके अच्छे लोग नहीं खाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, तुम्हारी बेटी भी कहती है। मैं तो कहती हूँ खाओ, बहुत चीज कहते हैं लोग, बहुत चीज कहते हैं लोगों का नहीं सुनने का। तुम क्यों जवानी में सुनती रही, भरी जवानी लोगों की सुनती रही तुम? अब तुम सलवार कुर्ता मुंबई में पहन के पटना में पहनोगी क्यों?
तो फिर तो माहौल मतलब लोग हुआ ना, लोगों की सुनती है परवाह बहुत करती है लोगों की। क्या हुआ आएगा तब तो चाहेंगे, तुम क्या चाहती हो? माँ चाहती है बहुत स्ट्रेट है मेरी माँ, तुम पता है मम्मी कूल हूँ पहले पैर तो ठीक करिए माता जी, कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आ रहा है, रोज थेरेपी चल रही है माँ की। किधर आया माँ? मॉल से पहले मुझे छोटे मोटे और काम याद दिला रही है जो सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्यूबलाइट लेकर आई थी, साइज थोड़ा बड़ा निकला है, उसको छोटा करूंगी। 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला ना। अरे यार मैं हमेशा काम के चीज शूट नहीं कर पाती हूँ, है ना। नहीं नहीं उतना कुछ खास नहीं निकला, ये रोज होता है, मैं किसी दिन आपको शूट करके दिखा दूंगी क्या हुआ है। तो आज पहले चलते हैं हम लोग सिर पेट लगाने, बहुत दिन के बाद कार में बैठो तो भूल जाती हूँ। ये मुझे ड्राइव करना था ना, हाँ मैं भूल गई थी कि मुझे ड्राइविंग भी आती है। घर में तू इतना टाइम लगाई कहीं मैं ड्राइविंग तो नहीं भूल गई? देखो ना माँ ताने मार रही है। क्या माँ? ताना नहीं मार रही थी। तो तुम चाह रही हो कि हम नहीं चलाएं? नहीं चला, जरूर पूछती है क्या चलाती है कि नहीं। हाँ जी, बिहार में एक प्रचलन है या लगाने का, डेजिया रिंकिया, अगर मान लो गुड़िया तो गुड़ीवा, जो बिहारी है उनको पता होगा। लेकिन लगा सकते हैं ना बेबी को बेबिया, जैसा कि आपने बिहारी गाना सुना होगा, मम्मी गाना भी तो है, ये रिंकिया के पापा तनी प्यार करे दा, है ना। ही हंस देलन रिंकिया के पापा। सो रिंकिया नाम नहीं होता, उसमें संबोधन के लिए लास्ट में ऐड किया जाता है। बिहारियों की कुछ खासियत है, पता नहीं कहाँ से हम लोग ईजाद करते होंगे ये सब, बट हर शहर में होता है। जरा हरियाणा का पता करके बताती हूँ। अरे यार हरियाणा तो हमसे भी आगे है, ये अड़ा लगाते हैं हम, या और वाह लगाते हैं, ये अड़ा लगाते हैं। अब बताओ सुनी लड़ा रतन लड़ा। अरे यार जो हरियाणा से, जरा बताना ये बंधु मुझे भटका तो नहीं रहा है, ये सच है क्या? अमरौली का नहीं है वो। Stop, 50% sale. Yeah. Up to 50% sale. मॉल इतना कैसे खाली है? वाओ, वाओ, एकदम खाली मॉल अभी लग रहा है, खुला ही है, बिल्कुल खाली है। माँ तुम्हारे काम से पहले जरा H&M में मेरा काम जरा हो गया, अपना करें, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, बस टाइम पास है। चलो पहले तुम्हारा देखते हैं, चलो शॉपर्स का। कोई नहीं चलो। कभी ये जगह मुझे ऐसा नहीं मिलता खाली। इन ऑर्बिट है मॉम, बैठना चाहो तो बैठ भी सकते हो यहाँ पे, चिल मारो, चिल आज चिल मारो। A few moments later. ये चिलिंग चाल नहीं है, चलते चलते चप्पल ने दिया है धोखा, और इतना बुरा वाला धोखा कि दो कदम भी नहीं चल सकती। बाई गॉड इतना एम्बेरसिंग है ये। लास्ट में यही डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि मैं चल ही नहीं सकती थी। अब चप्पल हाथ में और मैं नंगे पांव ढूंढती हुई चप्पल, पर पहले इसको लगाना पड़ेगा ठिकाने। और चलिए जी मिल गया है ठिकाना। जा बेटा तू अब इसी लायक है, तू यहीं जा। वैसे मेरा ये कभी फेवरेट हुआ करता था। आपको बता दूं, रखा हुआ चप्पल अगर आप बहुत दिनों के बाद पहन कर निकल रहे हैं तो सावधान, ये गलती ना करें। भाई साहब जो मेरी हालत है ना, मैं क्या ही बताऊं। ऐसे लग रहा है ना कि सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं, भले ही ना देख रहे हों। होता है यार, मन में होता है। मंदिर में नंगे पांव चलो तो बिल्कुल परवाह नहीं होती, पर मॉल में नंगे पांव चलो तो ऐसा लगता है कि नाक चम्मच भर पानी में डुबा लूं। पर देखिए जरा कुछ देर में फिर कॉन्फिडेंस आ गया। मैं हूं ही ऐसी, मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रैक्टिस हो गया है। बस थोड़ी देर में मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, और फिर मैं चली एक अपने लिए चप्पल खरीदने। आज कोई प्लान नहीं था चप्पल का, लेकिन चप्पल ने धोखा दे दिया।
ये भी ठीक लग रहा था वैसे तो, क्यों नहीं लिया मैंने? पता है उस समय ये भी अच्छा था यार, उस समय दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, बस ये था कि चप्पल हाय ये भी अच्छा लग रहा है यार, ये लेना चाहिए था। उस वक्त लग रहा था ना कि मेरे पास जैसे चप्पल ही नहीं है लाइफ में, और मैं पहली बार चप्पल खरीदने जा रही हूँ। बस इसी नज़र से मुझे वहाँ पे स्टोर में देख रहे थे सभी कि मैंने एक बारिश के लिए चप्पल लिया जो मेरी ज़रूरत थी, पर मुझे लगता है वो वाइट वाला ले लेना चाहिए। आप लोग प्लीज़ बताना मैं लूँ क्या वो चप्पल। खैर कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है तो बताना ज़रूर, मैंने तो दिखा दिया, आपकी बारी है बताने। चलो चिल मारते हैं। Help us make your movie experience joyful by sharing your feedback after the show. हमारी माता रानी बहुत खुश है, उधर रानी ने भी अच्छा काम किया, इधर माता रानी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और बंगाली बैकग्राउंड आमा के खूब भालो लगे। ओह मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है मैं करण जौहर की फिल्म देखकर जा रही हूँ। वो कहते हैं ना तड़का वही पर सोच वो नहीं, चेंज किया है डायलॉग वगैरह, किसमें लिखा है अच्छा लिखा है यार, बहुत बहुत। लेकिन मम्मी पहले क्या बनाता था और अभी क्या बनाया है, चेंज है, अच्छा लग रहा है। क्या ढूंढ रही हो तुम जेब में? अच्छा तुम्हें खोज ची, तुम्हें क्या खोज ची, तुम्हें तुम्हें की है, तुम्हें की प्रेम कहानी याद है? पता है इस फिल्म से ये तो प्रूफ हो गया कि ओल्ड इज गोल्ड, जितने गाने हैं पुराने जितने भी यूज किए हैं ना, जो फॉर्मूला लगाया है फिल्म को अच्छा बनाने का, वो फैमिली को पकड़ा है जो हम लोग टीवी सीरियल में पकड़ते हैं, फैमिली। वेरी नाइस फिल्म, सबने अच्छा काम किया है। आर्टिस्ट जब अच्छा काम करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है यार। मॉम रो रही थी, थोड़ा थोड़ा मैं भी रो रही थी एक जगह। अब सुनो जी क्या हुआ, शॉपिंग किए? नहीं इधर बता रही हो, शॉपिंग किए हमने, और शॉपिंग करते करते मिशन इम्पॉसिबल देखने का हमने मिशन बना डाला, और ऊपर गए, यहाँ से भी जा चुकी थी। फिर आज तो खाली हाथ नहीं जाना था, हमने लिया रिस्क कि चलो रॉकी रानी देख लेते हैं, अगर वो नहीं तो ये सही। थैंकफुली फिल्म अच्छी निकली और हम लोगों ने वो फिल्म देख ली, और लेकिन मिशन इम्पॉसिबल तो इम्पॉसिबल हो गया यार। चलो कोई नहीं, अभी हमने मूड बनाया है गदर देखने का, और अगर प्रोमो नहीं देखती ना तो शायद मुझे इतना वैसा नहीं होता क्रेज।
लेकिन जब थिएटर में मैंने सनी पाजी को देखा और लगा आए वो 90s वाली फीलिंग यार अभी, तो मैंने कहा चलो ये भी देखते हैं। देखनी है? मैं देखूंगी, मुझे सनी पाजी के लिए देखना है। देखोगी माँ? माँ तो फुल मूड में है। और तुम फोन में कहाँ हो? चलो जी अब दिन को खत्म करते हैं। आज का दिन सुपर एक्साइटिंग था और आपने देखा कि जो आज मेरी मिट्टी पलीद हुई है, मतलब इज्जत कबाड़ा हो गया उस कबाड़े चप्पल के चक्कर में। भाई मुंबई में पर्स, शूज, चप्पल ऐसी चीजें ना रखे रखे खराब होती हैं। इससे अच्छा जो आपका फेवरेट है ना उसको रगड़ डालो मतलब बहुत यूज करो, रखे रखे वो खराब होती हैं। हिम्मत हो तो सब हो जाता है। मतलब शर्म का पर्दा मैंने फाड़ दिया और जो आज मैंने किया है वो आप देख चुके हैं। बहुत ही एक्साइटिंग डे था मेरे लिए और मेमोरेबल भी। ऐसा मुझे लगा कि मैं अगले जन्म में जब लाली थी ना तो ऐसे चलती थी नंगे पांव हर जगह। हाँ मैं कहीं अगर बाहर उसको प्रमोट करने भी जाती थी तो नंगे पांव होती थी, तो वो दिन याद आ गया। सो एनीवेज अभी बहुत लंबा वीडियो हो गया है तो छोटे में ख़त्म करते हैं आज के लिए। बस ट्रक हम कल करेंगे। अब ये ट्रक क्या है ये आपको कल पता चलेगा। तो आज बस की सवारी कीजिए, कल ट्रक की सवारी करते हैं। कल का दिन बहुत एक्साइटिंग है। यस तो कल मिलते हैं। टाटा बाय। राम राम। जय भारत। शुभ है। गुड नाइट। लव यू। लाइट ऑफ। पैक अप।